ओके गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरीके से हम लोग बॉटम नेविगेशन बार ऐड करते हैं फ्लटर में। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे कि कैसे हम ग्रिड व्यू को यूज़ करके हमने ये प्लेयर क्रिएट किए थे और बाय कोर्स का यहाँ पे बटन हमने ऐड किया था, राइट। और इसमें लॉगिन और साइन अप की फंक्शनैलिटी भी हमने ऐड की थी। ठीक है, तो इसको फ्रंट से मैं पूरा डेमो दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या क्रिएट किए हैं। तो हमने यहाँ पे लॉगिन फंक्शनैलिटी क्रिएट किए थे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कोड में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। जैसे यहाँ पे नेविगेशन बार का जो ऐप बार था हमारा टॉप बार, वो ब्लैक कलर का था, तो उसको मैंने थोड़ा चेंज किया है। और आइकन्स और ये ग्रिड के कार्ड को मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो सारे चेंजेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे टैब बार्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो पूरा स्क्रैच से मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब यहाँ पे हमारा होम स्क्रीन डॉट आर्ट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेटफुल विजेट यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे, उसको मैं नाम दे दूँगा होम स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्कैफोल्ड क्रिएट कर दूँगा, उसमें हम ऐप बार ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐप बार में मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट हम बोलेंगे कोडसिफाई कोर्सेस। ठीक है, हम उसको फोरग्राउंड कलर दे देंगे, टेक्स्ट कलर जो हम बोलते हैं उसको मैं ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कर देते हैं, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, और बॉडी में हम ऐड कर देंगे जो अभी हमें बॉटम नेविगेशन बार चाहिए ना, वो हम अभी यहाँ पे बॉडी में ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ जिसमें मैं पेजेस बोलूँगा कि ये पेजेस वहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है जहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार है। तो वहाँ पे मैं कर देता हूँ एक लिस्ट क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको पेजेस रेफरेंस दे देता हूँ, और इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ एक लिस्ट जिसमें पहले हमें दिखाना है होम टैब। ये अभी हमने क्रिएट नहीं किए तो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे क्लासेस। तो होम टैब एक हम करेंगे प्रोफाइल टैब, ठीक है, और एक हम करेंगे कोर्सेज टैब। तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम होम टैब पे फोकस करेंगे जिसमें हम ग्रिड व्यू डिस्प्ले करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, अब होम टैब योगी हमारी लिस्ट क्रिएट। अब आपको क्या करना है, बॉडी में हमको पेजेस दिखाने हैं। ठीक है, कि जो भी करंट इंडेक्स रहेगा, एक मैं यहाँ पे करंट इंडेक्स वेरिएबल ले लेता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा मतलब टैब बार वहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इस करंट इंडेक्स की मदद से हम पहचान सकेंगे कि कौन सा सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार ऐड करेंगे और मैं बोलूँगा बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, बॉटम नेविगेशन बार के अंदर हम बोलेंगे करंट इंडेक्स हमारा जो ये है करंट इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद में हम इसके ऑन टैप इवेंट पे हम उसका इंडेक्स सेट करेंगे जिसमें हम बोलेंगे सेट स्टेट, और जो भी करंट इंडेक्स रहेगा उसको हम इंडेक्स कर देंगे। ठीक है, अब हम इस बॉटम नेविगेशन बार के लिए आइटम्स बनाएंगे जो हम बोलेंगे बॉटम नेविगेशन आइटम। ठीक है, इसमें हम आइकन सेट करेंगे और मैं आइकन बोलूँगा आइकन्स डॉट होम इस तरीके से, और उसको लेबल में दे दूंगा होम। ये हमारा एक लिस्ट रहेगा, इसको इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, ये पहला हमारा नेविगेशन बार आइटम बन गया होम। वैसे ही हमें एक चाहिए प्रोफाइल, और थर्ड आइटम हमें चाहिए कोर्सेस। एक्चुअली कोर्सेस हमें पहले लगेगा फिर प्रोफाइल लगेगा। ठीक है, और कोर्सेस के लिए मैं यहाँ पे बुक का आइकन दे देता हूँ, और प्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पे पर्सन का आइकन दे देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे तीन जो आइटम है नेविगेशन बार के वो क्रिएट हो जाएंगे। अब जो भी हैंडलिंग है मतलब टैब्स पे जो नीचे हमारे क्रिएट होंगे टैब्स, उस पर क्लिक करने पे हमें
जो भी इंडेक्स वगैरह का चीज़ें चाहिए था वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, राइट। करंट इंडेक्स के थ्रू हम उसको निकाल देंगे और उसको ऑन टैप इवेंट पे सेट कर देंगे। अब रही बात होम टैप क्या है, प्रोफाइल टैप क्या है और कोर्स टैप क्या है, तो उसके लिए हमें उसके लिए क्लासेस क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट कर देता हूँ जिसको मैं बोलूँगा होम टैप, ठीक है। अब इस होम टैप में हम क्या करेंगे, पहले मैं सारे क्लासेस क्रिएट कर देता हूँ, जैसे प्रोफाइल टैप भी हमें लगेगा, तो प्रोफाइल टैप मैंने क्रिएट कर दिया, और वैसे ही हमें एक कोर्स टैप भी लगेगा, कोर्सेस टैप। और यहाँ पे मैं एक सेंटर विजिट ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ चाइल्ड एस टेक्स्ट, और उसको बोल देते हैं अपन, ये हो गया हमारा कोर्सेज का टैब। और इसको एक स्टाइल दे देंगे अपन, टेक्स्ट स्टाइल, जिसको मैं बोलूँगा फॉन्ट साइज 24, और फॉन्ट वेट हम इसको दे देंगे बोल्ड, ठीक है। ये सेम चीज़ हम इसके अंदर भी कर देंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोफाइल टैब, और सेम चीज़ इसके अंदर जिसको हम बोलेंगे होम टैब। अब इसको रन करके देखते हैं पहले किस तरीके का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा होम टैब, प्रोफाइल टैब और कोर्सेज टैब, ठीक है। अब होम टैब के अंदर हमको चाहिए एक ग्रिड व्यू, तो सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू क्रिएट कर देता हूँ, जिससे हमें हेल्प हो जाएगा कि स्क्रोल करने में हमें डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक कॉलम बना देते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक चिल्ड्रन बना देता हूँ और थोड़ी सी स्पेस ऊपर से ऐड कर दूँगा, जिसको मैं हाइट दे देता हूँ 20। ऊपर से मैंने स्पेस थोड़ी सी ऐड कर दी। अब यहाँ पे अपन ऐड कर देते हैं ग्रिड व्यू, ठीक है। ग्रिड व्यू ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रिड व्यू डॉट काउंट, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको सेट करना है कि क्रॉस एक्सिस काउंट, मतलब एक रो में आपको कितने चाहिए ग्रिड्स, जो कार्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं हम बोलेंगे हमें 3 चाहिए, उसकी स्पेसिंग हम यहाँ पे सेट कर देंगे क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, जो मैं बोलूँगा 10, ठीक है। मेन एक्सिस स्पेसिंग हम उसकी सेट कर देंगे, जो हम बोलेंगे 10, और श्रिंक रैप हम कर देंगे ट्रू, और फिजिक्स स्क्रोल फिजिक्स कर देंगे, ठीक है। अब चिल्ड्रन हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने जैसे पहले एक मेथड क्रिएट किए थे बिल्ड कोर्स कार्ड, उसी को ही हम यूज़ करेंगे बिल्ड कोर्स कार्ड, और यहाँ से हम कॉन्टेक्स्ट सेंड करेंगे, पास करेंगे कौन सा दिखाना है हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इमेज का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इमेज का जो पाथ था एसेट्स इमेजेस, अगर आपने इस सीरीज़ को स्टार्ट से लेके अभी तक नहीं कवर किए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पूरा आप उसको देखें, क्योंकि ये सीरीज़ में हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखी है कि कैसे हमने ये सब चीज़ें डेवलप की थी, तो मैं रिकमेंड करूँगा। और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आई होप कि क्लियर हो रही होगी, पर अगर आपको डिटेल में समझना है कि विजेट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कौन से टाइप के विजेट्स फ्लटर में अवेलेबल है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लटर विजेट्स और इंट्रोडक्शन टू फ्लटर वाला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अब मैं 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए हमें। दूसरा मैं C++ ले लूँगा, यहाँ पे फ्लटर एक कर देंगे अपन, ठीक है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम सिखाते हैं तो सारे ही कवर करने पड़ेंगे, एंगुलर, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इनके जो इमेजेस है वो सेट कर देता हूँ मैं, सी फ्लटर के लिए मैंने यूज़ किया है फ्लटर, पाइथन के लिए पाइथन, एसेट्स में देख लेते हैं python.jpg, तो इमेजेस के नाम आपको प्रॉपर देने होंगे। एंगुलर के लिए हम बोलेंगे angular.png, ठीक है। उसके बाद में css के लिए मैं ऐड कर दूंगा css, और जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट।
अब ये मेथड हम बिल्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम बोलेंगे विजेट बिल्ड कोर्स कार्ड, और यहाँ पे हम इसमें कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। हम बोलेंगे कि कॉन्टेक्स्ट ऊपर से सेंड करो, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जब भी कार्ड क्लिक जब जो भी कार्ड यहाँ पे क्रिएट होगा ना, उसके क्लिक करने पे हमें उसे दूसरे पेज पे सेंड करना है, तो उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट लगेगा। और हम यहाँ पे इमेज पाथ ले लेंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने ऊपर से ले ली। अब इसमें मैं रिटर्न कर दूँगा। रिटर्न क्या करेंगे हम लोग पहले एक जेस्चर डिटेक्टर क्रिएट कर देंगे, ताकि जो भी एलिमेंट पे क्लिक होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए ऑन टैप इवेंट पे हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसके जो चाइल्ड एलिमेंट में हम चाइल्ड इसमें हम ऐड करेंगे कार्ड में जो जो हमें चीज़ें चाहिए, एक प्रोग्राम एक इमेज चाहिए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइटल चाहिए, ठीक है। तो चाइल्ड में हम ऐड कर देंगे कॉलम, क्योंकि हमें दो चीज़ें चाहिए। उसमें हम उसकी सेट करेंगे प्रॉपर्टीज़, मैं बोलूँगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में चिल्ड्रन हम ऐड कर देंगे उसमें, और मैं बोलूँगा कि पहला जो भी एलिमेंट होगा वो हम बोलेंगे इमेज डॉट एसेट, और ये कहाँ से आएगा वो अभी सेट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा इमेज पाथ, हाइट हम सेट कर देंगे यहाँ पे 50, और विड्थ हम सेट कर देंगे 50, ठीक है। और फिट कर देंगे इमेज को बॉक्स कवर नाम से, बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेज का हैंडलिंग। अब हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे टाइटल, जो हम टेक्स्ट विजेट से करेंगे। अब पैडिंग के लिए हम बोलेंगे एज इनसेट्स 8 का पैडिंग दे देंगे इसको, ठीक है। और एक टेक्स्ट हम ऐड कर देते हैं जल्दी से, चाइल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हम बोलेंगे जो भी टाइटल ऊपर से आ रहा है उसको सेट कर दो, ठीक है। और स्टाइल हम सेट करेंगे यहाँ पे, स्टाइल में बोलूँगा टेक्स्ट स्टाइल, और उसका फॉन्ट साइज हम सेट कर देंगे 22। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इमेज और टाइटल्स को ऐड किए कार्ड के अंदर, ठीक है। अब जब इस पर क्लिक होगा तो इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पे ऑन टैप इवेंट पे एक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको। तो हम बोलेंगे ऑन टैप नेविगेटर डॉट पुश, और कॉन्टेक्स्ट में हम राउट पास करेंगे, ठीक है, मटेरियल पेज राउट, ठीक है। अब बिल्डर में हमें यहाँ पे सेट करना होगा कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको सेंड करेंगे कोर्स डिटेल स्क्रीन में, जहाँ पर हमें लगेगा एक टाइटल, ठीक है, और एक लगेगा इमेज पाथ। ये ब्रैकेट्स आपको प्रॉपर करने हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ये कोर्स वाले डिटेल स्क्रीन पे आ जाएगा, और जो भी हमारा कोर्सेज का है, ठीक है, कोर्सेज में हमने टाइटल गलत दे दिए हैं, ठीक है। कोर्सेज में हम यहाँ पे कोर्सेज डिस्प्ले करेंगे, जो जो हमारे प्रीमियम कोर्सेज है, और उसमें हमने जैसे यहाँ पे ऐड किए थे कि रेजर पे की फंक्शनैलिटी भी हमने ऐड किए थे बाय कोर्स पे, तो वो सारे फीचर्स यहाँ पे आएंगे प्रीमियम फीचर्स में। और प्रोफाइल में यूज़र की प्रोफाइल में उसकी नेम, उसका ईमेल और लॉगआउट फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको फ्लटर में ये जो बेसिक बॉटम नेविगेशन बार कैसे ऐड करते हैं, और उसके अंदर जो हमें स्क्रीन्स लगती है वो किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे ऐप को, और यहाँ पे हम कुछ प्रीमियम कोर्सेज ऐड करेंगे, और उसमें हम रेजर पे इंटीग्रेशन जो हमने पिछले एपिसोड में किए थे, यहाँ पे जैसे हमने बाय कोर्स किया था, वो सारी फीचर्स यहाँ पे ऐड करके चेकआउट करेंगे कोर्स को, और यूज़र को कहाँ पे वो कोर्सेज
अब यूज़र परचेस तो कर लेगा उस कोर्स को, और उसके बाद वो कोर्सेज को कहाँ पे देख सकेगा, और उसका जो एडमिन पैनल रहेगा जहाँ से हम उसको प्रीमियम एक्सेस दे सकेंगे, वो सारे फीचर्स हम इस ऐप में स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें, और विजेट्स या फिर कोई भी बेसिक जो भी आपको इंट्रोडक्टरी नॉलेज लगता है फ्लटर का, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप पिछले एपिसोड्स में कवर किया है। टोटल आई थिंक 12 एपिसोड्स हो चुके हैं, उसमें आप ये सब चीज़ें कवर देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और देखेंगे कोर्सेस और प्रोफाइल टैब को कैसे हम आगे डेवलप करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।